बिग बॉस 12 अब अपने फिनाले से ज्यादा दूर नहीं है। इसी बीच घर में एक बार फिर घमासान मचा हुआ है। इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि घर में होने वाला हर हफ्ते कैप्टेंसी टास्क है। जी हाँ, शो के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि घर में कैप्टेंसी टास्क के चलते घर दो भागों में बढ़ जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस बार के कैप्टेंसी टास्क में जरा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि जो भी कंटेस्टेंट ये कैप्टेंसी टास्क जीतेगा उसे सीधा टिकट टू सेमीफाइनल मिलेगा। आपको बता दें कि इस टास्क के लिए गार्डन एरिया में एक बस के अंदर एक स्टोर रूम बना होगा, जिसमें हर घर के सदस्य के नाम का बैग रखा होगा। इस टास्क को पूरा करने के लिए समय समय पर घर वाले किसी एक सदस्य के नाम के बैग को निकाल सकते हैं, जिसे वो कैप्टन नहीं बनाना चाहते। ये टास्क जीतना हर सदस्य के लिए इसलिए अहम हो जाएगा क्योंकि जो भी इस बार घर की कैप्टनसी जीतेगा उसको टिकट टू फिनाले मिल जाएगा। इसका मतलब वो सीधे सीधे टॉप 5 में शामिल होगा। इतना ही नहीं, इस टास्क के जरिए घर वालों को एक मौका मिलेगा हारी हुई प्राइज मनी को वापस हासिल करने का, जिसके बाद सभी घर वाले इस टास्क को जीतने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे। खबरों की माने तो मास्टरमाइंड रोमिल चौधरी अपना दिमाग लगाकर दीपक ठाकुर को सबसे पहले इस कैप्टेंसी टास्क से बाहर करेंगे। बताया जा रहा है कि उन्होंने मौका मिलते ही सबसे पहले दीपक के नाम के बैग को बस से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद दीपक कैप्टेंसी टास्क से बाहर हो गए। बहरहाल कौन सा घर वाला इस टास्क को जीत पाएगा या फिर बाकी टास्क की तरह ये टास्क भी रद्द हो जाएगा, ये जानने के लिए हमें शो का अपकमिंग एपिसोड देखना होगा। तो अब देखते हैं कि किसे मिलेगा टिकट टू फिनाले।